राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह के नेतृत्व में आज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही श्रद्धांजलि स्थल पर 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर रेखा सिंह, उपाध्यक्ष मंजू वर्मा, मंत्री पूनम वर्मा, सचिव डिंपल सिंह के साथ संगठन के अन्य सदस्यगण मौजूद थे। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना सिंह दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या को हत्या करार देते हुए CBI से जांच की मांग की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की तरफ से हूँ। हम लोगों ने आज यहाँ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मरणोपरांत, या यूँ कहेंगे कि मीडिया में जैसे फैलाया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या किया, लेकिन हम लोग ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या किया है। हम लोग शुरू से 14 जून से ही आवाज़ उठा रहे हैं कि ये हत्या है और इसकी CBI जांच होनी चाहिए। हम लोगों ने ये सभा बैठाया है, 2 मिनट का मौन और कैंडल जलाकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करते हुए हम सभी महिलाओं ने ये आह्वान किया है महाराष्ट्र सरकार से कि CBI जांच की हम लोग मांग करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी लोग उनके हत्या में शामिल हैं उन्हें सजा मिले, क्योंकि वो हमारे बिहार के लाल थे और बहुत ही प्रतिभावान एक्टर थे। सभी लोग जानते हैं कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर और इस फील्ड में कदम रखा उन्होंने, और ऐसा कदम रखा कि वो बहुत जल्द ऊंचाइयों को प्राप्त किए। वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी तरह के उनके फैमिली वाले कोई सिनेमा में नहीं थे, कोई भी वो बड़े स्टार के पुत्र नहीं थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अपना नाम कमाया था और मुझे लगता है कि आज पूरा भारत उनके लिए रो रहा है। यहाँ तक कि उनकी स्मृतियाँ हम लोगों के दिमाग से बिल्कुल भी नहीं जा रही हैं, और हम लोगों की पुरजोर कोशिश यही है कि उनके हत्या की CBI जाँच हो। और हम सभी यही चाहते हैं कि जो भी उनकी हत्या के पीछे जिनका भी हाथ है, जो भी कारण हो, उसको सजा मिले। बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत सीधे साधे कलाकार अब इस दुनिया में नहीं हैं, और हम लोग बहुत इस बात से दुखी हैं। और हम जानते हैं कि उनका परिवार बहुत दुख सह रहा है, उनके पिता एक पुत्र को कैसे खो दिए। आज उनके पिता की हालत बहुत ख़राब है। सभी बिहारियों से और जितने भी राजनेता अभिनेता उनके घर आते हैं, उनको ढांढस बंधाते हैं, उन लोग से मैं हाथ जोड़कर